फ्रंट कवर डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बाय करने के बाद में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है उस डिवाइस का स्क्रीन गार्ड और साथ में उसको अप्लाई करने का प्रोसेस है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फिनिक्स 030 डिवाइस का जो है यूवी ग्लास शेयर करने वाला हूँ, अप्लाई प्रोसेस भी बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से आप बाय कर सकते हो। बेसिकली अभी हमारा ये रिप्लेसमेंट वाला यूनिट आया तो आते ही मैंने सोचा सबसे पहले इस पर स्क्रीन गार्ड अप्लाई कर लेते हैं। बाय द वे मैं जो है ना ये स्क्रीन गार्ड ऑफलाइन अप्लाई करा रहा हूँ, जिस शॉप पे मैं पहले मोबाइल रिपेयरिंग किया करता था उनके पास गया मैं, क्योंकि मैं घर पे लाता तो भाई पहले वाले पे स्क्रेच थे, मुझे डर था कहीं कि यार इस डिवाइस को घर तक लेके गया, घर जाके लगाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, इतने देर में कहीं ऐसा ना हो कि इसकी स्क्रीन पर वापस से स्क्रेच आ जाए। तो इस वजह से मैंने क्या किया, जैसे ही डिलीवर हुआ बॉक्स से बाहर निकाला, निकाल कर देखा डिवाइस को, देखने के बाद डायरेक्ट शॉप पर चला गया और भाई साहब को बोला कि इस पर स्क्रीन गार्ड लगा दीजिए। सो ये इसका स्क्रीन गार्ड, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन गार्ड देखने को मिलेगा। एक आपको यहाँ पर देखिए वेपर देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप इसको जो क्लीन कर सकते हो, और साथ में इसका आपको ग्लू देखने को मिल जाता है, और एक आपको यूवी लाइट देखने को मिल जाती है। यूवी लाइट जो है ये देखिए, ये इस तरीके का ग्लू होता है जो कि हमें अप्लाई करना पड़ता है स्क्रीन पे सबसे पहले, और उसके बाद जो है ये ग्लास जो है इस पर अप्लाई होता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। साथ में ऑफलाइन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट था कि इनके पास जो यूवी लाइट है वो सबसे बड़ी बड़ी वाली लाइट थी, तो इस वजह से वो जल्दी जो है इस पर फिट हो जाता। और मैं इसका अमेजन का बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, जहाँ से आप बाय कर सकते हो। ये है इसकी यूवी लाइट, जिसकी दोनों साइड में आप है ना एक साइड में सी टाइप और एक साइड में माइक्रो यूएसबी, दोनों में से कोई भी पोर्ट आपके पास है तो वो लगाकर इसको आप जला सकते हैं। मैं इसका अमेजन का लिंक भी शेयर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इनकी शॉप का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका लिंक भी दे रहा हूँ, आप इनसे भी बाय कर सकते हो। ये जो है आपको 250 रुपये के अंदर डिलीवर कर देंगे, आप इनसे कंसल्ट कर लेना, और लोकेशन से हो तो 250 के अंदर शॉप पे आ जाइएगा, शॉप पे आने के बाद ये लगा के दे देंगे। सो इस तरीके का आपको स्क्रीन गार्ड देखने मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मुझे ये, और इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। और यदि आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं एक ऑनलाइन वाला बाय करूँगा और उसके बाद में घर पर इसको अप्लाई करके भी आप लोग को दिखा दूँगा। सबसे पहले करना क्या होता है कि इसके जो जितने भी पोर्ट होते हैं उन पर टेप लगानी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि जो गली है वो इसके पोर्ट्स एंड बटन के अंदर चला ना जाए। इस वजह से क्या होता है कि चारों ओर इसके पहले टेप लगानी होती है। ये हमारे राकेश भाई साहब जिनका हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, तो ये इस पर सबसे पहले टेप अप्लाई करें, क्योंकि टेप अप्लाई नहीं करते और जो ले जो हम लगाते हैं गली वो यदि इसके अंदर चला जाता है तो फिर स्पीकर वगैरह खराब हो सकती है। सो पूरी तरीके से लगा लिया, अब इन्होंने स्क्रीन को जो अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद इसको आपको ओपन करना होता है, ओपन करने के बाद बीच में रखिएगा गलियों को, आप चाहो तो 2 जगह भी गलियों अप्लाई कर सकते हो, एक ऊपर से थोड़ा नीचे और एक आपको जो नीचे से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये जो गलियों इसके थोड़ा सा इधर उधर आप 2 जगह भी गलियों लगा सकते हो। उसके बाद स्क्रीन गार्ड की पन्नी को हटाई और इसके ऊपर रख दीजिए, और चारों ओर से कुछ इस तरीके से आपको रोटेट करना है, और आप चाहो तो बगैर रोटेट भी ये अप्लाई हो जाता है, थोड़ा सा आपको गलियों ज़्यादा लगाना पड़ता है, और आप एकदम स्टेबल जगह पर रख दीजिए, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। सो इनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है ऑफलाइन वाला, बेसिकली ऑफलाइन में मैं भी लगाता हूं। सो यहां पर ये अप्लाई करें, क्योंकि नीचे की साइड आ चुके, लेकिन ऊपर की साइड आ चुके, नीचे की साइड ये अच्छे से अप्लाई करें, क्योंकि ऊपर साइड ज्यादा करेंगे तो स्पीकर पे कोई भी टेप नहीं लगी है, इस वजह से स्पीकर के अंदर ना जाए, इस वजह से ये इस तरीके से कर रहे हैं। सो इस तरीके से देखिए, ये 2-4 बार इस तरीके से करेंगे तो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। आने के बाद का प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यूवी जो लैंप की वाली लाइट है उससे इसको क्या करना होता है, सुखाना पड़ता है, जिससे कि सूख जाए, उसके बाद अच्छे से अप्लाई हो जाए। सो यहाँ पर देखिए अभी भी इस पर बबल है जो कि कुछ देर में रिमूव हो जाते हैं। तो यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बाय करते हो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गलियों ज़्यादा लगाना है, 2 जगह लगा लीजिए, बेसिकली दो बढ़िया रहेगा, 2 जगह लगा लीजिए, उसके बाद ये आपको कुछ देर के लिए रख देना है, पूरी तरीके से गलियों चारों ओर आ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है यूवी लैंप से जो इसको सुखाना है, और जब स्पीकर वाले पोर्ट के पास आए उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्पीकर के अंदर न चलाए, वहाँ पर आप टेप है या कुछ भी छोटी चीज़ आप रख दीजिएगा। अब एक भाई ने कमेंट भी किया था कि ये लो ये अप्लाई करने के बाद यदि इसके स्क्रीन गार्ड अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद इसके सेंसर वगैरह में इश्यू आएगा या नहीं आएगा, तो आपको ऊपर से थोड़ा नीचे की ओर अप्लाई करना है, सेंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अमेजन वाला लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया, और शॉप का हैंडल भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अभी देखिए नीचे गलियों नहीं है, तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, इस वजह से क्या करें ये नीचे से भी इसके अंदर जो है गलियों लगा रहे, लेकिन आप यदि अच्छे से गलू 2 जगह अप्लाई करोगे तो फिर आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो ये देखिए नीचे से कुछ इस तरीके से गलू डाल रहे, जिसकी गलू इसके अंदर जो है पूरी तरीके से पूरे डिस्प्ले के अंदर जो है आ जाए, जिससे कि हमारा जो ग्लास है वो अच्छे से अप्लाई हो जाए। सो ये गलू लगा लेते हैं, उसके बाद में मैं इसको सुखाने का प्रोसेस भी आपको दिखाता हूँ, और इनके पास यूवी लाइट कौन सी होती है वो भी दिखाता हूँ, और आपको जो यूवी लाइट मिलती है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से इन्होंने टेप से कवर कर रखे हैं पोर्ट्स एंड बटन को, ताकि इनके अंदर गलियों ना जाए, और इनके अंदर गलियों जाने के बाद ये टाइट हो सके। सो यहाँ पर देखिए पूरा हमारा स्क्रीन जो अच्छी तरह से अप्लाई बड़ी वाली मशीन उसको बेसिकली इस तरीके से मनोज भाई क्या देने तो दुकान आज बैठे दुकान आज यार
आपके पास तो यू लाइट आई है पास में जो हकीकत में ब्रेक हो गया आपको करना क्या तकरीबन 10 मिनट के बहुत ज्यादा ब्रेक जी तो मैं नहीं तो ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए और सूखते टाइम आपको बिल्कुल भी गिलास को हिलाना नहीं है। जैसे आप गिलास को हिलाओगे हिलाने के बाद क्या होगा गिलास जो है जगह छोड़ सकता है और अच्छे से अप्लाई हो सकता है अच्छे से अप्लाई नहीं क्योंकि इनको बहुत सारे ग्लास लगाने थे। एक ग्लास लगाना होते तो इससे जो है हम ऑफर आपको ग्लास बाय कर लेना, ये 250 के अंदर और यदि आप ऑनलाइन बाय करोगे तो आई थिंक 499 रुपए के आसपास 500 के आसपास ग्लास आपको ऑनलाइन वाला अपने ड्रेस के ऊपर अप्लाई करें। आप चाहो उस जगह से बाइक और यदि कोई नहीं लगा सकते ऑफलाइन वाला भी आप बाइक कर सकते हैं। इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता है, क्लिप को कट भी कर सकता है, लेकिन मैं इसको कट नहीं कर रही थी। आप लोगों को पता मन में रहेगा क्या ईमानदारी बात है तो मैंने ये जो क्लिप है उसको आपको दो गुना टाइम लगाना है। यूवी लेंस से आप सुखाओगे तो दो गुना टाइम लगाना है क्योंकि ये पूरी डिस्प्ले में लाएगा। अभी सूख चुका है, मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा।